सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी फ़ोनपे अकाउंट न्यू प्रोसेस के साथ क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक ऐप लिंक के नाम से एक लिंक मिलेगी, 100% उस पर ही आप लोग क्लिक करोगे तो आसानी तरीके से आप लोग अकाउंट बनाने का प्रोसेस समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक मिल सके। सो फ्रेंड, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो उसके नीचे ऐप लिंक के नाम से लिंक मिलेगी, डायरेक्ट उसी एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से प्ले स्टोर पर आ जाओ, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। थोड़ा सा आप वेट करेंगे और आप लोग यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दर्ज करेंगे, ठीक है। जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दर्ज करेंगे, जैसे कि मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड थोड़ा सा आप वेट करेंगे और इस नंबर पर एक OTP आता है, आपको वन टाइम पासवर्ड आता है, ठीक है। नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड ट्राई अनदर वाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखने मतलब लॉगिन विद OTP, इस पर क्लिक करके आप लोग OTP के जरिए आप लोग यहाँ से लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा आप वेट करेंगे और OTP मेरे फ़ोन में आ जाएगा और यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। OTP ऑटोमेटिक कैप्चर कर लिया जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, ठीक है। परमिशन को एक्सेस करेंगे। परमिशन एक्सेस करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद फिर से आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। अलाउ करने के बाद ये बोल रहा है कि आप लोगों के नंबर के जो भी बैंक एक्टिवेट होती है, जो भी बैंक लिंक होती है, वो आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हो। अगर आपकी बैंक यहाँ पर नहीं मिल रही तो परेशान नहीं होना, यहाँ पर देखने को मिलता है तो सर्च बाई बैंक नेम, ठीक है, यहाँ से सर्च कर सकते हो। अगर आपकी बैंक है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से प्रोसेस करना हो, कैसे UPI सेटअप करना होगा, कैसे आपको रिचार्ज करना होगा, कैसे आपको बिल पेमेंट करना होगा, कैसे आप लोगों को यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, किसी को डिपॉजिट कर सकते हो और पे कर सकते हो, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस समझाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपके नंबर पे जो भी बैंक की लिंक होती है उसको सर्च करेगा। दैट इज़ मेरी इंसोलेंट बैंक है, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। इंसोलेंट बैंक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये बैंक शो हो जाता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो शो हो जाती है, आपकी बैंक ऐड हो जाती है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बैंक सक्सेसफुल हो जाती है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, रीसेट पिन या फिर सेट पिन। मैंने दो बार यूज़ किया इसलिए यहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपका पहली बार यूज़ कर रहे हो तो सेट पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग सेट पिन पर क्लिक करेंगे। सेट पिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक आधार कार्ड और एक डेबिट कार्ड एंड ATM कार्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड एंड ATM कार्ड नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड के जरिए UPI सेट कर सकते हो। मैं बता देता हूँ UPI सेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास आधार कार्ड होता है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग उसके भी बेसिस पे आप UPI सेट कर सकते हो। फ्रेंड मैं बता देता हूँ UPI क्या होता है। UPI एक ट्रांजेक्शन करने वाला पिन होता है, इस पिन के ही जरिए आप लोग किसी को ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर बोलता है इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट, ठीक है, ऑफ आधार नंबर। तो आपके जो आधार कार्ड के जो आधार कार्ड होता है उसके फर्स्ट डिजिट आपको 6 डिजिट यहाँ पे फिल करने होंगे, जैसा कि मैं आपको कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद प्रोसीड करिएगा, इसके बाद अलाउ करिएगा। अलाउ करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इस नंबर पे OTP आता है, आधार कार्ड वाला OTP, जैसा कि देख सकते हो आधार वाला OTP आएगा, जिस नंबर पे लगा होता वो नंबर वो यहाँ पे OTP आएगा, ऑटोमेटिक फिल किया जाएगा। इस पर राइट करिएगा, फिर से आप उसको राइट करिएगा। राइट करने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हो सेट 6 डिजिट UPI पिन। मैं बता देता हूँ, पहले यहाँ पे दो पिन आए थे, एक आधार कार्ड वाला एक बैंक वाला, दोनों में ऑटोमेटिक फिल हो जाते, ठीक है। इसके बाद अपना एक पिन सेट करिएगा, जो भी आपको पिन यहाँ पे बनाना चाहते हो जो यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, मैं बना लेता हूँ। बनाने के बाद यहाँ पे राइट करेंगे, राइट करने के बाद फिर से बोल रहा कन्फर्म करने के लिए, फिर से आपको कन्फर्म करिएगा, ठीक है, और फिर से राइट करिएगा। राइट करने के बाद थोड़ा सा आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपका पिन UPI सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको डन करिएगा।
रिटर्न करने के बाद फ्रेंड्स इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब आपको प्रोसेस समझाते हैं। मैंने यूपीआई पिन बना दिया है, सेटअप कर लिया। आप बात करते हैं कि आपको किसको ट्रांजेक्शन कैसे करोगे। जैसे कि आप लोग फ़ोन नंबर यहाँ पे देखने मिलता है, यूपीआई टू बैंक अकाउंट देखने मिलता है, और सेल्फ टू सेल्फ अकाउंट देखने मिलता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जिसको भी भेजना चाह रहे हो बारकोड के जरिए, बारकोड पे सिलेक्ट करिएगा, आप लोग यहाँ से अलाउ करिएगा, और आप लोग बारकोड के बेसिस पे आप लोग यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बारकोड करिएगा, आप इसी तरीके से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद अगर इस तरीके से बारकोड नहीं मिलता, किसी की शॉप पे नहीं मिलता होगा, किसी पे नंबर पे ट्राई करते हो, तो क्या करिएगा, टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करिएगा। टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको जिसको भी पेमेंट करना होगा, जिसको भी पैसे ऐड करना हो, तो सक्सेसफुल रूप से यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। चलिए मैं दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जिसको टीवी ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो, तो क्या करिएगा, यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करिएगा। आप लोग न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। आपको जिस भी आपके फ़ोन में कई सारे कॉन्टैक्ट सेव होते तो ठीक है, आज उसके नंबर पे आप लोग पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको नंबर पे किसी के नंबर पे करना चाहते हो तो क्या करिएगा, इंटर ए मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करिएगा, और आप लोगों को नंबर यहाँ पर टाइप करिएगा। जैसे कि सपोज मैं नंबर टाइप कर देता हूँ, एक नंबर है, सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करिए, इसका नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखने मिलता कुछ इस तरीका का इंटरफेस, ठीक है। सो फ्रेंड मैंने 1 रुपये को सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद आपकी बैंक आ जाती है, इसका पे पे क्लिक करिएगा। फ्रेंड्स आपने जो यूपीआई पिन बनाया था आधार कार्ड से, वही यूपीआई पिन आपको यहाँ पे सेट करिएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। मैं यूपीआई पिन डाल देता हूँ और इसके बाद राइट करेंगे। राइट करने के बाद आपका जो ट्रांजेक्शन होता है सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग बड़ी आसानी तरीके से आप लोग यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके बाद आपको रिचार्ज करना होगा तो बैक करेंगे मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ, ठीक है। बैक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना होगा तो आपको यहाँ पे देखना मोबाइल रिचार्ज, इस पर क्लिक करिएगा। मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद आप लोग जैसे देख मिलता कुछ इस तरीके इंटरफेस, आप लोग यहाँ पर नंबर डाल के रिचार्ज करिएगा। जैसे कि सपोज मानो मैंने नंबर डाल दिया, ठीक है, ये वाला नंबर मैं डाल दिया नंबर, ठीक है, नंबर मैंने डाल दिया। नंबर डालने के बाद आपके सही कई सारे प्लान्स आ जाते, आप लोग अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। जैसे सपोज मानो मैं यहाँ पे रिचार्ज कर लेगा 299 रुपये का, मैं सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, वहाँ पे देखने मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोसीव टू पे, इस पर क्लिक करिएगा। प्रोसीव टू पे पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से रिचार्ज करिएगा, और यहाँ पे देखने मिलता है रिचार्ज करने का प्रोसेस, यहाँ पे पे करिएगा। यूपीआई पिन डाल के आप लोग यहाँ पे रिचार्ज करिएगा, ठीक है। तो आप लोग बड़े आसानी तरीके से आप लोग रिचार्ज करिएगा। मैंने आपको बता दी किस तरीके से फ़ोनपे एप्लीकेशन में आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे बिल पेमेंट कर सकते हो, कैसे रिचार्ज कर सकते हो, कि आप लोग सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पैसे को चेकआउट करना है तो चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखने मिलता है आपकी बैंक यहाँ पे शो हो जाती है, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो यूपीआई पिन बनाया था वो आपको यहाँ पे डालिएगा, और यहाँ पे राइट करिएगा। राइट करने के बाद आपका पैसा यहाँ पे ऐसी इजी तरीके से चेक हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग बड़ी आसानी तरीके से आप लोग पैसे को चेक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। फ्रेंड बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जाना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको फ़ोनपे अकाउंट क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।